सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24x7 को और दबाए इस बेल आइकन को। दिल्ली को 1931 को भारत की राजधानी बनाया गया था। इसकी घोषणा 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने की थी। आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के बाद सन 1857 में कलकत्ता देश की राजधानी थी। जानकारी के मुताबिक मुगल राजाओं भी दिल्ली में ही रहकर देश पर शासन करते थे और यहीं से अपना साम्राज्य चलाते थे। माना जाता है कि 1450 ईसा पूर्व पांडवों ने दिल्ली को बसाया था। दिल्ली पर मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर आदि का शासन भी रह चुका है। दिल्ली को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता था। माना जाता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने का कारण ये था कि दिल्ली में बैठकर आसानी से शासन चलाया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों से पहले भी मुगलों ने भी यहीं से शासन चलाया था। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता अब कोलकाता से दिल्ली लाने का फैसला किया गया था। ये फैसला होने जॉर्ज पंचम ने 80,000 लोगों के सामने दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में सुनाया था। इसके लिए दिल्ली से बाहर बुराड़ी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें देश के कोने कोने से राजा, महाराजा, महारानियों के साथ पहुँचे थे। कार्यक्रम में तत्कालीन वायसराय जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की थी।